हेलो, रनिंग शूज अभी मार्केट में कौन से अच्छे चल रहे हैं? सेगा सस्ते भी है, 500-600 में आ जाएंगे। भेज दो। ये तीन है सेगा के शूज। अक्सर आप लोगों ने मार्केट में इनके बारे में सुना होगा या फिर किसी को पहनते हुए देखा होगा। रनर्स भी इसके बारे में काफी बात करते हैं क्योंकि ये चीप भी और इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, पर उससे पहले आप लोगों को पता ही है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन दबा लेना ताकि आप लोग मेरी सारी वीडियोस को लेकर अपडेटेड रहे। तो भाई ये है एक सेगा का रनिंग शूज, ये किसी बॉक्स वगैरह में नहीं आते। अगर आप लोगों ने ऑफलाइन मार्केट देखा होगा तो ये थैली वगैरह में आते, या फिर अगर आप लोग फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन में ऑर्डर करोगे तो वहां पर भी आप लोगों को एक पॉली बैग में रिसीव होगा। इसके बारे में अगर मैं डिटेल में बात करूं तो सबसे पहले इसके कलर डिजाइन वगैरह की बात कर लेते हैं। तो पूरा ब्लैक ब्लू कलर का एक बढ़िया सा कॉम्बिनेशन दे रखा है, व्हाइट कलर का टचअप दे रखा है। एंड स्पेसिफिकली अगर मैं इसके बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो यहाँ पर पूरे आउटर में आप लोगों को नेटिंग पैटर्न मिल जाएगा। यहाँ पे पूरा मैश का यूज कर रखा है ताकि ब्रीदेबिलिटी अच्छे से बनी रहे। इसके ऊपर आप लोगों को थोड़ा बहुत रैगजीन का वर्क मिल जाएगा और इसकी क्वालिटी मैं अभी से ओपनली बता दूं, ये थोड़ी हल्की दे रखी है। इसके अलावा अगर मैं इसके सोल की ओर जाऊं तो सोल यहाँ पे पूरा रबर का दे रखा है। प्रेस करने पर ये थोड़ा बहुत सॉफ्ट है, ज्यादा सॉफ्ट नहीं लग रहा। और इसकी जो आउटर लेयरिंग कर रखी है बैक सोल की, पूरी टीपीआर की कर रखी है जो कि आप लोगों को ग्रिपिंग प्रोवाइड करेगा। अब सब साइड में रखता हूं और इसके रनिंग टेस्ट की बात करूं तो यार रनिंग के दौरान मुझे इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा। सबसे पहली चीज जो कि शू की सबसे ज्यादा अच्छी है वो है इसका वेट। ये मात्र 238 ग्राम्स का, यानी कि अगर आप बहुत एक्सपेंसिव शूज ले रहे हैं ना तो वहां पे कुछ ऐसा मिलता है, और यही चीज आप लोगों को इतने सस्ते में मिल जाएगी, बहुत ही हल्के थे यार। और रनिंग परफॉर्मेंस की बात करूं तो एकदम ऑप्टिमम परफॉर्मेंस था। स्पेसिफिकली अगर मैं ग्रिपिंग की बात करूं तो वो भी मुझे काफी अच्छी लग रही थी। इन शूज को अगर आप लोग शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग वगैरह में यूज करें तो सबसे बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि ये उसी के लिए बना के रखा है। एंड स्पेसिफिकली अगर आप लोगों को ट्रेनिंग वगैरह में यूज करना या फिर आप लोग जिम वगैरह में इन्वॉल्व रहते हैं तो वहां पर भी सही रहने वाले। एक और चीज जो कि इन शूज को बेटर बनाती है वो इनका इंसोल। इंसोल में यहाँ पे ज्यादा कुछ वर्क नहीं कर रखा है, एकदम पतला सा रबर की लेयरिंग कर रखी है, वही चीज यहाँ पे सबसे बेस्ट रहेगी। क्योंकि अगर इसका वेट भी देखा जाए ना तो उसके हिसाब से इसको मैनेज कर रखा है। राइट साइड यहाँ पे फॉर्म की कुशनिंग कर रखी है, और वही चीज आप लोग को ऊपर वाली लेयर पे सबसे ज्यादा फील होने वाली है। नीचे की ओर यहाँ पे एस सच कोई इतना कंफर्ट नहीं है। अब वही अगर मैं शू के फाइनल वर्डिक्ट की बात करूं तो ऑफलाइन मार्केट में आप लोगों को 500-600 के बीच में पड़ जाएगा, ऑनलाइन ये पड़ेगा कुछ 600-700 रुपए के अराउंड। एंड एक और चीज मैं आप लोगों को बताऊं, इस शूज में जो लेस की क्वालिटी है वो सबसे ज्यादा खराब है, बहुत जल्दी खुल जाएंगे। मतलब अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी दौड़ रहे होंगे ना तो खुल जाएंगे, तो यहाँ पे लेसेस बदलना बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। और इसके अलावा एक और चीज बता दूं, इनकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा नहीं रहने वाली है, मैक्सिमम में चल जाएगा 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा मान के चलो 8 महीने तक भी चल सकता है। भाई अब जो ये वाला ब्लैक शू है इनमें से सबसे ज्यादा बेस्ट है, सबसे बेस्ट रहने वाला है रनिंग के लिए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो आउटर लेयरिंग कर रखी है बैक सोल की, उसमें बहुत ही अच्छा वर्क कर रखा है, एकदम हार्ड चीज प्रोवाइड कर रखी जो कि आप लोगों को ग्रिपिंग एकदम प्रॉपर देगी। अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कर रहे हो, शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग कर रहे हो, तो ग्रिपिंग एकदम प्रॉपर मिलने वाली है। अब ये तो बहुत आगे की बात हो गई, अगर मैं इसके बेसिक स्ट्रक्चर और डिजाइन की बात करूं तो यहाँ पर आप लोगों को एडिडास वाला थोड़ा बहुत लोगो टाइप मिल जाएगा। एंड थोड़ा बहुत इसका कलर पैटर्न वगैरह ये आप लोगों को A6 के शूज जैसा भी लगने वाला है। यहाँ पर जो इंटरनल लेयरिंग है वो पूरी मैश की कर रखी है, एकदम आप लोगों को ब्रीदिंग को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एंड एडिशनली ऊपर की ओर यहाँ पे कुछ सिंथेटिक के पैचेस स्टिच कर रखे हैं, पीछे की ओर यहाँ पे एक छोटी सी ब्रांडिंग कर रखी है सेगा की, एंड आप लोगों को टंग वाले पोर्शन में भी ब्रांडिंग मिल जाएगी। यहाँ पर भी मुझे लेसेस की क्वालिटी काफी हल्की लगी है, मुझे बहुत ही बेकार लगे इनके लेसेस। तो एक चीज है, अगर आप लोग वाले शूज परचेस करें तो लेसेस तो बदल ही लेना। अल्टीमेटली इस शू का जो बैक सोल है वही मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा, और वो तो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ। इसके अलावा जो शू का वेट है वो है मात्र 233 ग्राम का, 233 ग्राम का इसका वेट है, जो कि बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है। और इतना ही लाइट वेट होना चाहिए अगर आप लोग रनिंग वगैरह कर रहे हो, अगर आप लोग आर्मी वगैरह में हो तो ये बहुत ज्यादा रिकमेंडेड रहेंगे मेरे साइड से। एंड अगर मैं इसके रनिंग टेस्ट की बात करूं तो सेम यहां पर भी मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। उन दोनों से अगर मैं कंपेयर करूं तो इसका परफॉर्मेंस काफी बेटर था और बहुत ही ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस आ रहा था। इसकी भी प्राइसिंग सेम आती है, वर्डिक्ट भी सेम बोलूंगा, ड्यूरेबिलिटी इसकी बहुत ज्यादा नहीं रहने वाली है, 6-8 महीने चल जाएंगे, और लेसेस बदल लेना। फाइनली एक रेड कलर का शू जो कि काफी आई अट्रैक्टिंग होता है और दूर से ही समझ आता है किसी ने रेड कलर के शूज पहन रखे। इसके बेसिक स्ट्रक्चर वगैरह की बात करूं तो सेम टाइप का यहाँ पे फॉलो कर रखा है, अंदर की ओर आप लोगों को पूरा मैच मिल जाएगा, बाहर की ओर सिंथेटिक का टचअप दे रखा है, पूरा स्ट्रेच कर रखा है, क्वालिटी डिसेंट सी दे रखी है, लेसेस यहाँ पर भी बदलने की नीड है। एंड एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं, इस शूज को काफी फ्लेक्सिबल बना रखा है, ये शूज बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल, और यही चीज मैंने पिछले वाले शूज में भी देखी थी। तो अगर आप लोग ट्रेनिंग वगैरह जिम वगैरह में यूज करें तो उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा रिकमेंडेड है, क्योंकि 500 रुपए में और क्या ले लोगे यार। सेम यहाँ पर भी इंसोल में आप लोग को एकदम पतली सी लेयरिंग मिल जाएगी, और यहाँ पे साइज चार्ट भी दे रखा है जैसे आप लोग साइज वगैरह चेक कर सकते हैं। सोल की बात करूं तो यहाँ पर भी डबल लेयरिंग कर रखी है, यहाँ पर आप लोग को रबर की लेयरिंग तो मिली जाएगी, उसके पीछे जो आउटर लेयर है वो आप लोग को टीपीआर की मिल जाएगी, जो कि बेसिक ग्रिपिंग का काम करता है। अब इसकी ग्रिपिंग कंपेरेटिवली उतनी ज्यादा अच्छी नहीं, पर हाँ अगर
आप लोग मैराथन वगैरह अटेंड करते हो, वही सेम आर्मी वगैरह में यूज करना चाहते हो तो वहां पर ये सबसे ज्यादा सही रहेंगे। और कैजुअल पर्पज के लिए तो आप स्नीकर हो या फिर शूज डाल ही सकते हो। अपार्ट फ्रॉम इट यहाँ पे सोल को आउटर से ग्लूट कर रखा और यही चीज ड्यूरेबिलिटी को सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है। फाइनल वर्डिक्ट की बात करूं तो इशू की प्राइसिंग भी सेम ही है, 600-700 रुपए के अराउंड ऑनलाइन प्राइसेस में, और अगर आप लोग ऑफलाइन मार्केट में जा रहे हो तो 500-600 रुपए के बीच में मिल जाएगा, इतना फर्क आ जाएगा। तो ये सारे शूज मुझे बहुत अच्छे लगे रनिंग के लिए, तो यार मैं बहुत ज्यादा रिकमेंड करूंगा, क्योंकि आजकल बहुत सारे स्नीकर शूज देख लिए जो कि सिर्फ बड़े बड़े सोल दे देते हैं, एक्स्ट्रा कंफर्ट दे देते हैं, और वो रनिंग में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बेकार हो जाते हैं। तो उनसे तो यही लेना सबसे ज्यादा बेस्ट रहने वाले हैं। एंड स्पेसिफिकली जो ब्लैक वाला शू है वो मैं सबसे ज्यादा रिकमेंड करूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो अभी के लिए बस इतना ही, अगर आप लोगों को कोई पर्सनल डाउट है, कोई क्वेश्चन इन शूज को लेकर, तो आप मुझे कमेंट कर देना, वहां पे मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। मिलता है आप सभी से अगली वीडियो में।